देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो चुका है। अब आपको ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले से 10 गुना अधिक चालान राशि देनी होगी। महानगर में रविवार को ट्रैफिक विभाग ने शहर के मोहद्दीपुर चौराहे पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ जमकर जुर्माना वसूला। हालांकि यहां पर बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों का कहना है कि उनको इन ट्रैफिक नियमों के बारे में पहले से पता नहीं था और आगे से वह इन नियमों के बारे में पूरी तरह से जानकारी करने के बाद इनका पूरा पालन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, निरंतर अभियान चला रहे हैं, लोगों को यातायात के विषय में जागरूक कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, अपना जीवन सुरक्षित रखें। उसी अनुक्रम में आज भी ये चेकिंग है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि
एक सितंबर से रेट रिवाइज होने की बातें सामने आ रही, तो हम लोग जो है उसी चालान में कर रहे हैं और जैसा हम लोग जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें रेट लगाएंगे, उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मकसद केवल इतना है जनता को बताने का कि आप संडे मंडे भूल जाइए, हमेशा यातायात के नियमों का पालन करिए और हेलमेट लगा के चलिए। अभी लगभग हम लोगों ने 150 लोगों का चालान कर दिया होगा, अभी इतनी देर में 150 लोगों का चालान कर दिए होंगे। जी हाँ, 80-90% लोग हेलमेट पहनने लगे हैं और जब तक 100% लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तब तक हम हेलमेट पहनाते रहेंगे लोगों को, इनको पहना के ही हम मानेंगे। 100% लोग हेलमेट पहने हैं।